Hi everyone, welcome to my channel. If you are new here, I am Srishti. Today I'm going to review Plum 3% Niacinamide toner. एक महीने हो गया इसको यूज़ करते हुए सो आई एम एक्साइटेड टू शेयर माई रिव्यू दिस इज़ प्लम थ्री परसेंट नैसना टोनर इट हैज़ राइस वाटर एंड ओट एक्सट्रैक्ट दोनों काफ़ी अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं फोर ट्वेंटी रुपीज़ में आपको वन फिफ्टी एम एल का प्रोडक्ट मिलता है सो so अच्छा खासा चल जाता है लाइक like अभी एक महीने मैंने यूज़ कर लिया है हाफ बॉटल हो चुका है आई थिंक एक से डेढ़ महीने और जाएगा एंड मैं इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम में यूज़ करती हूँ इसका जो बॉटल है वो पंप बॉटल में आता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और जब मैं इसको मिक्स करती हूँ ना थोड़ा सा झाग आता है आप देख पा रहे होंगे बॉटल में एंड जो स्प्रे है ना बहुत इजीली अप्लाई करने के लिए बहुत इजी होता है लाइक like, स्प्रे वाला पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है बहुत इजीली मैं अपने फेस पे अप्लाई कर पाती हूँ सो आई रियली लाइक दी यू नो प्रोडक्ट ऑल्सो एंड पैकेजिंग ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई अप्लाई दिस टोनर सो मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग फेस को क्लीन करने के बाद मैं फ़ेस पर टोनर अप्लाई करती हूँ टोनर बेसिकली आपके स्किन को हाइड्रेट करता है एंड फर्स्ट स्टेप होता है फॉर हाइड्रेशन सो आप हर स्किन के अकॉर्डिंग अपना टोनर यूज कर सकते हैं लाइक ड्राई स्किन है तो आप मिल्कि टोनर यूज कर सकते हैं ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो आप कोई हाइड्रेटिंग वाटरी टोनर यूज कर सकते हैं सो so, ये जो टोनर है ना दिस इज हाइड्रेटिंग वाटरी टोनर ये इसका जो टेक्स्चर है ना बिल्कुल वाटरी टेक्स्चर है एंड ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वाले बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं मेरा स्किन नॉर्मल टू ड्राई है और मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है बिल्कुल भी आ, इरिटेशन नहीं होता है ना तो मेरे आइज पे कोई इरिटेशन होता है ना तो मेरे फेस पे कोई इरिटेशन होता है सो so, समर में मुझे कोई लाइट वेट टोनर चाहिए सो दिस इज द टोनर डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस टोनर इट्स वेरी लाइट वेट वेरी नाइस एंड अब मैं ना इसका स्प्रे करती हूँ अपने फेस पे एंड अपने हाथों से पैट पैट करके इससे मेरे फेस पे एब्जॉर्व हो जाता है और ये वाला स्टेप मैं ना दो बार करती हूँ लेट्स टॉक अबाउट द इन्ग्रीडियंट इट हैजाइट ओट एक्सट्रैक्टेनॉल रोज वॉटर इट हैजें हाइड्रेट करेगा बट आपको इसके ऊपर कोई मॉइस्चराइजर जरूर अपलाई करना है मॉर्निंग टाइम में मैं ये टोनर अपलाई करती हूं टोनर अप्लाई करने के बाद मैं प्लम का फाइव परसेंट नाइसिनामाइट सिरम यूज करती हूँ आई रियली लाइक दिस सिरम इट इज फ्रेग्रेंस फ्री इसका मैंने फुल रिव्यू कर रखा है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहाँ से चेक करिएगा इस इसपे लिखा हुआ है ये आपके ब्लेमिशेस को क्लियर करता है आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है आई रियली फील अगर आपका बम्पी स्किन है ना और आपका ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है आपके फेस पे कोई सीरम काम नहीं कर रहा डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस सीरम इट इज़ वेरी अफोर्डेबल दैज मैंने प्लम के सेल पर इसको परचेस किया था एच टाइम तो बाई टू गेट टू का कुछ सेल चल रहा था मुझे ये सीरम ट्राई करना था मैंने परचेस किया आई रियली 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 लव दिस सीरम मार्केट में फाइव Sunscreen guys, before and after का एक महीने पहले जब मैं ये टोनर नहीं यूज करती थी तो मेरा फेस कैसा था और अभी मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे काफी डिफरेंस दिखा है मुझे काफी अच्छा रिजल्ट दिखा है गाइज मेरा स्किन पहले से बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड प्लम्ड एंड सफल दिखता है एंड गाइज आई रियली लाइक दिस टोनर uh, कभी कभी ना आपको गर्मी में कुछ भी अप्लाई करना आप बस अपना टोनर अप्लाई करो और उसके ऊपर से सनस्क्रीन अप्लाई कर लो ये ऑयली स्किन वालों के लिए मैं, मैं बता रही हूँ क्योंकि ना ये काफी अच्छा है स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और सनस्क्रीन जो होगा अच्छा थिक लेयर ऑफ सनस्क्रीन वो आपको प्रोटेक्ट करेगा सन से आई रियली लाइक दिस टोनर क्योंकि ये ना काफी सूदिंग है काफी हाइड्रेटिंग है ऑल स्किन टाइप्स वाले इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा सब्सक्राइब करेगा टिल देन कीप वॉचिंग बाय बाय